हर शहर गांव ढाणी की परिचायिका का वहां की सड़कें होती हैं। अगर सड़कें साफ सुथरी और बिना गड्ढे वाली हो तो वहां की वाहवाही कोसों तक होती है। हर इसी दरमियान हरमाड़ा क्षेत्र के जयपुर सिकर हाईवे स्थित वार्ड संख्या 1 में इन दिनों मूलभूत सुविधाओं की दुर्दशा पर चार चांद लगे हुए हैं। ये चार चांद राजस्थान के डिप्टी CM व विद्याधर विधायक दिया कुमारी द्वारा लगे हुए हैं। यहाँ वार्ड नंबर 1 में भाजपा प्रत्याशी सीता देवी के अर्थक प्रयासों से PWD की ओर से 800 मीटर लंबी जो 50 लाख की लागत से बन रही सड़क का निर्माण कार्य चालू हुआ है। ये सड़क विनायक विहार बंद की ढाणी फत्यावाली ढाणी तक बन रही है, जहां बुधवार को मुरलीपुरा भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शर्मा व भाजपा मंडल उपाध्यक्ष प्रभाती लाल शर्मा द्वारा सड़क निर्माण कार्य को पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर चालू करवाया गया। जानकारी के अनुसार मंडल उपाध्यक्ष शर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर 1 में पिछले काफी दिनों से वार्ड में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे और उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं था। जहां डबल इंजन वाली सरकार राजस्थान में आई है, जहां सभी के कार्य तुरंत प्रभाव से विद्याधरनगर विधानसभा में किए जा रहे हैं और जो भी डिप्टी CM दिया कुमारी कहती है वह तुरंत कार्य चालू हो जाता है। शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा सहित हर सुविधा मुहैया कराकर प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रही है। निर्माण कार्य चालू होने पर लोगों ने खुशी व्यक्त की, वहीं दिया कुमारी का आभार जताया है। इस मौके पर वार्ड नंबर 1 के बूथ अध्यक्ष मोहन कुमावत, महामंत्री मांगी लाल कुमावत, गिरधारी लाल पटेल, ओमजी शर्मा सहित स्थानीय निवासी मौजूद रहे।